आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी को ओवरव्यू करने वाले हैं जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है। तो इस टेक्नोलॉजी के कुछ फीचर इंट्रोड्यूस करवाऊंगा यहाँ पे, ये काम किस तरह से करते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है सलमान दीप, आप लोग देख रहे हो दीप टेक्नोलॉजी लैब यूट्यूब चैनल। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो इस टेक्नोलॉजी का नाम है AI पेन, जो कि कुछ इस तरह से दिखने वाला है। तो ये दिखने में कुछ इस तरह से है। इसका नाम AI पेन है, जो कि कम्प्लीटली AI पे डिपेंड करता है। दो एम्प्लॉय हैं जो कि एप्पल के एम्प्लॉय हैं, जिन्होंने ये चीज इंट्रोड्यूस कराई है या जिन्होंने ये चीज बनाई है। पे आप देख सकते हो यहाँ पे तीन तरह के यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं इनके कलर। और उसके बाद ये काम किस तरह करते हैं, इसके साथ क्या है कि एक बैटरी बूस्टर है और एक साइड पे इसका कंप्यूटर या इसको फोन कह लो वो है। तो इसको लगाना कैसे है, इसी तरह से इसके दरमियान में किसी चीज़ के इस तरह से आप लगा सकते हो किसी चीज़ के, एक साइड पे आप बैटरी लगा दो, दूसरी साइड पे कंप्यूटर को लगा दो, तो ये वहीं पे चिपक जाते हैं। दूसरी बात करें कि ये एक हमने जैसे शुरू शुरू में मूवीज़ में देखा था कि जिस तरह से हम किसी और ज़ुबान में बात करते हैं तो वो हमें जो है दूसरे बंदे की जो और ज़ुबान होती है वो हमारी ज़ुबान में हमें समझाता है, सेम ये इसी तरह से काम करने वाला है। एक बंदा उर्दू बोल रहा है, एक बंदा इंग्लिश बोल रहा है, लेकिन वो उनको जो आपस में सुनाई देगी बात वो उन्हीं की ही लैंग्वेज में सुनाई देगी। ये इस तरह से भी कुछ काम करने वाला है। उसके बाद इसके फीचर्स की बात की जाए तो इसके अंदर जो है, वैसे तो ये इसका डिस्प्ले जो है एक ही कलर का है, लेकिन इसके अंदर जो कैमरा दिया गया है वो RGB कैमरा दिया गया है, जो कि वीडियो और फोटो को दोनों को कैप्चर करता है। और ये कंट्रोल किस तरह से होता है, इसको आप वॉइस से भी कंट्रोल कर सकते हो, उसके बाद इसको टच से आप कंट्रोल कर सकते हो, उसके बाद इस गेस्चर से यानी आप अपनी फिंगर्स की मदद से इसको कंट्रोल कर सकते हो, उसके बाद इसका डिस्प्ले जो है आपके हाथ पे आ जाएगा। आप इसके सामने में अपना हैंड करेंगे तो उस पे आपको इसका डिस्प्ले नज़र आ जाएगा कि अंदर एक स्पीकर लगा हुआ है जिसकी वजह से हमें वॉइस सुनाई देती है। और इसके आगे एक LED लगी हुई है जो हम टच करते हैं तो वो रिस्पांस में वहाँ पे हमें बताती है कि आपका टच इस वक्त हुआ है या नहीं, तो इसीलिए ये इंडिकेट करती है। इसके अंदर यहाँ पे एक ऐसी लाइट लगी हुई है जब आपको कॉल या मैसेज या कुछ भी आता है नोटिफिकेशन, जैसे हम अपने फ़ोन की बैक वाली लाइट ऑन कर लेते हैं, ये इसी तरह से कुछ काम करती है। और ये कम्प्लीटली AI बेस्ड है, तो ये सारा का सारा AI के ऊपर ही काम करेगा। तो इसको कोई भी कमांड देनी है, इसके ऊपर आपने टच करना है और आपने बोल देना है, और वो कमांड आपकी फिर आपको वॉइस में बताया जाएगा कि आपने क्या कमांड दी है और ये क्या रिस्पॉन्स देने वाला है। और जैसे हम इस पर म्यूज़िक प्ले करवा रहे हैं, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये म्यूज़िक प्ले करेगा, हम जो म्यूज़िक कहेंगे वो ढूंढ के चलाएगा। और उसके बाद इसका डिस्प्ले कुछ इस तरह से आप इसको हाथ पे ला सकते हो, इसको हम लेफ्ट राइट या अप डाउन करेंगे अपने हैंड को तो उस साइड को मूव करेगा, जिस तरह से हम अपने टच से जो है फोन पे क्लिक करते थे किसी मेन्यू में ऊपर नीचे अप डाउन जाने के लिए, इसमें क्या है कि आपको हैंड को मूव करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपने होम स्क्रीन पे जाना है या किसी और मेन्यू पे शिफ्ट होना है तो आप अपनी जो है मुट्ठी को बंद करके खोलेंगे तो आपकी जो है स्क्रीन जो है शिफ्ट हो जाएगी होम पे या नेक्स्ट पे। तो उसके बाद इसको हम चेंज कर सकते हैं या इसको कह सकते हैं इंटर या क्लिक करवा सकते हैं अपने दोनों फिंगर से, हम जैसे ही अपनी फिंगर क्लिक करेंगे ये क्लिक हो जाएगा वहाँ पे। उसके बाद आप क्या करोगे कि मैसेज वगैरह करना है, लिखेंगे मैसेज, आप क्लिक करोगे, बंदे का नाम लोगे, उस बंदे को मैसेज चला जाएगा और जो आप बोलोगे वो आपको रिपीट में बोल के भी बताएगा कि आपने जो मैसेज टाइप किया ये मैसेज टाइप किया, ये उसको सेंड करना है, तो आप यस नो कहोगे तो वो सेंड होता है। कॉल करने के लिए भी सेम यही चीज़ है, आप क्लिक करोगे और उस बंदे का नाम लोगे और उसको बताओगे कि कॉल कर दो, वो कॉल चली जाएगी। और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी ऐड की गई हैं जैसे हमारी जो थी वॉचेस थी या बैंड थे जो वो काम करते थे, वो भी चीज़ें इसमें है। जैसे अब इसने क्या किया है कि यहाँ पे बादाम लेके उसको सामने रखा है और उसने पूछा है कि प्रोटीन कितना है, उसने यहाँ पे उसको प्रोटीन बता दिया कि इसमें इतना प्रोटीन है, अगर आप खाओगे तो आपको इतने फ़ायदे होंगे, ये सारा कुछ वो बता देता है। यानी हेल्थ के मुताबिक जो भी इसमें आपको घड़ियों में या बैंडेज में जो फीचर मिलते थे वो सारे इसके अंदर हैं। उसके बाद बात करें कि किसी भी चीज़ को परचेज़ करने की, आप उसके सामने सिर्फ इसको क्लिक करके इसके सामने बताओगे कि ये ऑनलाइन चीज़ कितने की है, जैसे इसने बुक की है कि ये ऑनलाइन कितने की मिल रही है, तो वो यहाँ पे आपको बता देगी ऑनलाइन सर्च करके इसका AI कितने की ऑनलाइन मिल रही है। अगर आप कहोगे कि परचेज़ कर लो तो वो परचेज़ हो जाएगी। और अगर आपने वीडियो कैप्चर करनी है, फोटो कैप्चर करनी है, आपने टू फिंगर प्रेस करने तो ये यहाँ पे आपकी वीडियो कैप्चर भी कर लेगा और फोटो भी क्लिक कर देगा। और अब बात करते हैं इसकी एक्सेसरी की, कि इसके साथ क्या क्या चीजें होती हैं। एक यहाँ पे आपको क्लिप नजर आएगा, अगर आप बैटरी पीछे बैकअप वाली बैटरी नहीं लगाना चाहते तो आप इसके ऊपर लगा सकते हो और ये क्लिप आप कहीं भी लगा सकते हो। उसके बाद है इसका लैच है, ये क्या है कि ट्रांसपेरेंट या कोई हल्के फुल्के कपड़ों के अंदर कहीं पे लगाना है तो वो आप भी लगा सकते हो। उसके बाद इसका एक बैंड है ऊपर लगता है, यानी अगर हम कहें कि हम ब्लैक के ऊपर व्हाइट कर दें, इसका कवर लगा दें,
या शील्ड कह सकते हैं वो लगा दें, तो ये चीजें भी इसकी इन्होंने बना दी हैं। उसके बाद इसके साथ एक चार्जिंग केस आता है जिसके अंदर आप रख के इसको चार्ज कर सकते हो, जैसे कि हमारे एयरबड वगैरह चार्ज होते हैं। उसके बाद अगर आप इसको लेने का सोच रहे हो तो ये है $699 का, जिसके अंदर आपको 6 चीजें मिलने वाली हैं जो आपको डिस्प्ले में नजर आ रही हैं। और इसमें बात की जाए बाकी सारे ऐप्स या बाकी सारी चीज़ों की, इन सब को यूज़ करने के लिए इन्होंने कुछ प्राइस रखी हुई है। मंथली जो है $24 है, तो वही बात मैंने कह दी कि अगर आप इसको परचेज़ करते हो तो वही लोग परचेज़ करेंगे जो सिर्फ शौकिया तौर पे इसको रखना चाह रहे हैं, जैसे आईफोन वगैरह आजकल यूज़ हो रहे हैं। ये है हमारा AI पेन ओवरव्यू था कि ये न्यू टेक्नोलॉजी आने वाले दिनों में इंट्रोड्यूस करवा दी गई है और ये आने वाले दिनों में हर यूज़र तक आसानी से जो पहुँच जाएगी। तो अब आप लोगों ने बताना है कि क्या ये टेक्नोलॉजी हमारे फ़ोन के साथ रिप्लेस होगी या नहीं होगी। मेरा ओपिनियन लिया जाए तो मैं तो कहूँगा कि नहीं होगी, क्योंकि गेमिंग वगैरह वीडियो वगैरह देखने के लिए हमें चाहिए RGB डिस्प्ले जिसमें सारे कलर नज़र आते हों। इसके अंदर कोई कलर नज़र नहीं आते, ये जैसे कह लेंगे अलग से एक गैजेट इसको कह सकते हैं कि यूज़ कर सकते हो, लेकिन फ़ोन रखना हमें लाजमी है। तो यही थी आज की हमारी वीडियो, बाकी आपकी जो भी ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।